वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर से बाड़मेर पहुंची और जस्तोल हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, घटना स्थल का जायजा लिया वसुंधरा राजे ने। इस दौरान यूनुस खान, मेघराज लोहिया, के बिश्नोई, भोपाल सिंह, जगत नारायण जोशी भी मौजूद रहे। राजे ने सभी के हाल जाने और घटनाक्रम की जानकारी ली। इससे पहले वसुंधरा राजे जोधपुर में भी एक जसोल हादसे के पीड़ित मृतक अविनाश पारिक के निवास पर पहुंची और परिजनों को ढांढस बंधाया। वसुंधरा राजे ने बाड़मेर दौरे के दौरान फर्स्ट इंडिया संवाददाता शिव प्रकाश से खास बातचीत भी की। जसोल हादसे में मृतक और घायलों को सांत्वना देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जसोल पहुंची है, हमारे साथ वैसे मौजूद मैडम, ये जिस तरह का हादसा है इसको लेकर के? नहीं, ये तो एक बहुत ही विकट हादसा हुआ है और 15 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। मैं समझती हूँ कि जिसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इंतज़ाम ज़रा और ठीक होना चाहिए था। अभी बता रहे हैं मेरे को कि इसकी इंक्वायरी हो रही है, परंतु इसकी इंक्वायरी भी टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चलता ही जाए, हफ्ते 10 दिन के अंदर इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी चाहिए और जिन लोगों ने इसमें दोषी पाए गए हैं उनको तुरंत ही पनिश करने की ज़रूरत है, चाहे वो बिजली वाले हों, चाहे वो आपके वो टेंट लगाने वाले हों, और चाहे वो हों जिन्होंने इनको बुलाया है, क्योंकि जिसने इनको बुला के इसको सेटअप किया है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग, माने इसके अंदर कितनी सिक्योरिटी है और आदमियों को कोई आगे चल के उनकी सुरक्षा ठीक, उनकी सुरक्षा है कि नहीं है। मुआवजा राशि को लेकर के साथ मैं दो चीज़ और कहना चाहूँगी कि मुआवजा के अंदर उनको 4 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट के NDRF फंड से मिलता है, वो NDRF फंड और सरकार ने अपनी तरफ से 1 लाख रुपया दिया है। अब अगर 4 लाख सरकार दिल्ली की सरकार से आ रहा है और 1 लाख रुपया अगर सरकार दे रही है तो इसमें, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल केस है, इसके अंदर सरकार और भी पैसा उसको देना चाहिए। साथ में जो लोग घायल हैं उन लोगों को नॉर्म्स के अंदर उन्होंने 2 लाख तक की बात कही है, परंतु ये भी क्योंकि कई जल गए हैं, बिजली से जले हैं, करंट पास हुआ है, ऐसे लोग कई हैं उसके अंदर, उन लोगों को सबको अच्छे पैसे देके, अच्छे मुआवजा देके उनका इलाज करने का भी बहुत, माने सरकार के ऊपर दायित्व पड़ जाता है। दो बहादुरी के केस पीछे सामने, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाह रही थी कि मौका देखते देखते मेरे सबसे बात जब हुई तो उसमें बहादुरी की कहानियाँ भी निकल के आई हैं और ऐसे लोगों को जैसे वो कांस्टेबल धौलाराम हैं और जैसे वहाँ बैठा हुआ, पास में बैठा हुआ अक्षित जैन है, इन दोनों ने जाके वहाँ अगर उस जनरेटर को की तार अगर खींची नहीं होती तो अभी 15 लोग गए, मालूम नहीं कितने और उससे जाते। ऐसे लोगों के बारे में उनको जानकारी लेनी चाहिए और उनको तुरंत ही कमेंडेशन देने की ज़रूरत है, माने आपके उसको पुलिस वाले को भी और साथ में जो पब्लिक से निकल के आया है उसको भी। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिनका यह कहना है कि जो भी जांच की जाए वह टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, साथ ही जो मुआवजा राशि है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पीड़ित परिवारों को कुछ न कुछ राहत मिल सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित।